हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है 29 दिसंबर 2019, और आज हम जा रहे हैं एक छोटी से ट्रिप में, जो हमारा 4 दिन का ट्रिप है। तो बैग वैग रेडी है, सब कुछ रेडी है, कॉल मैंने सबको कर लिया है। कौन कौन जा रहा है आपको मैं बता दूंगा थोड़ी देर में, और बहुत इन्जॉयमेंट होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं 4 दिन के लिए न्यू ईयर पार्टी के लिए, वो भी अपने हल्द्वानी से अपने पहाड़ में, पहाड़ की तरफ। 4 दिन का ट्रिप है, तो प्लीज़ बने रहिए लाइन पे। निकल पहुंच गए पांडोखोली। पांडोखोली जो है आपका, ये पड़ता है 18 से 19 किलोमीटर, और ये पड़ता है आपका, कौन सी जगह है ये, कौन से मंदिर? दूनागिरी मंदिर से 3-4 किलोमीटर आगे। तो अब हम जो जा रहे हैं, हम दूनागिरी से पांडोखोली से पांडोखोली के ट्रैक में जा रहे हैं। कम 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 इससे ये पता चलता है, पुराने में लोगों का स्टेमिना हुआ करता था और आज के लोगों का स्टेमिना नहीं है। पांडव लोग जो पहले कहाँ से चल के इतना लंबा रास्ता सिर्फ चल के आए, हम तो आधा चल रहे हैं और आधा गाड़ी से आए। क्या हुआ? मेरे तो पाँव में दर्द है, लेकिन चलना तो है ही। दोस्तों, स्टेमिना है तभी आना, वरना नीचे रह जाना है। क्या ये चल दादा, 25 किलोमीटर चलने में 12 घंटे 13 घंटे लग गए थे। अच्छा। हाँ, जब हमने केदारनाथ का ट्रैक करा था, अराउंड 22 किलोमीटर का ट्रैक था जो हम पूरा चल के गए थे, और उसको पार करने में हमको लग गया था 13 घंटे। और ये हमारा 5.5 किलोमीटर का ट्रैक भी पूरा नहीं हो पा रहा। ओह माय गॉड, बहुत थकान है। कि आजा चल ले, थोड़ा दिखा दे अपना दम, दुबई वाला दम। आज तक कितनी ट्रैक करी होगी तूने ऐसे? मैं तो गया हूँ जंगल अंगल में, काफी गया हूँ। जंगल जाने में, पहाड़ के जंगल में अंतर बहुत है। गया हूँ मैं 3-3 4-4 पहाड़ियाँ पार गया हूँ अपने जंगल में। अपने टाइम में
जवानी में आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है और एक दिक्कत आ गई है कि जो मेरा गिम्बल था, गिम्बल की बैटरी मैंने गिरा दिया, लेकिन कहाँ गिरी वो तो पता चल गया है, लेकिन 23 किलोमीटर वापस हमको जाके बैटरी लेने जाना पड़ेगा, यानी अराउंड 2 घंटे हमारे और बर्बाद होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अभी हम पांडवगोली चले जाते हैं, पांडवगोली का ट्रैक पूरा करने के बाद वापस रानीखेत को मूव करना पड़ेगा। रानीखेत को बहुत सांस चढ़ रही है, बहुत चलने की आदत हुई नहीं, चलने वाले हुए नहीं, इसलिए बालक पापा जी के साथ चलते हुए ये लोग कहाँ रह गए? ये बहुत पीछे है, ये तो आगे है। मैंने नहीं पहना, मैंने इसलिए नहीं पहना, ना 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 ठंडा लग जाता ना। ठंडा रोकता नहीं, यहाँ थोड़ा थोड़ा बर्फ भी जमा हुआ है। बर्फ या पाला? बर्फ पाला के साथ। हल्की हल्की बर्फ। वाह है, पहुंच गए हम, पहुंच गए हैं 1.5 किलोमीटर, कितने 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम पहुंच गए पांडवगोली मंदिर, और सारा यहाँ बर्फ है। स्वर्गपुरी पांडवगोली, यहाँ पांडवों ने वास करा था, कौन से युग में? त्रेता युग में पांडवों ने वास करा था। ठहरिए, जैसे बोला ठहरिए मान्यवर, अगर आप शराब पीकर या लेकर आए हैं तो कृपया लौट जाएं, क्योंकि आश्रम में आपको रहने की जगह नहीं दी जाएगी। जय हर हर महादेव। अपन दुकान किसकी? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एट अपनी दुकान। पहले हाथ धो ले। इतनी बर्फ है यहाँ, छत में भी बर्फ पड़ी हुई है। चाय भी मिलेगी पंडित जी अपनी दुकान पे। अभी अभी लोगों ने, मेरे साथियों ने एक एक्सपीरियंस करा है कि वहाँ वहाँ क्या हो रहा है, ठंड, खड़े हो वहाँ, बाकी जगह पाँव आप रख सकते हो लेकिन वहाँ पाँव नहीं रख सकते, इधर ठंडा हो रहा है। एक नया एक्सपीरियंस, एक जगह ऐसी भी है। वाकई में शायद बर्फ के कारण हो रहा होगा। नहीं हो रहा है। वाह, क्या व्यू है, बस सामने पहाड़, वो भैया सामने देखो पहाड़, वाह मजा आ गया ना। वाह वाह वाह।
कम छोटा है लेकिन है पूरा लेबरा है। हेलो 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 ना हेलो हेलो से हेलो हेलो। ओए हीरो तेरी और मेरी फोटो आ रही है देख। हाँ टॉफी देने में खाता है टॉफी खाता है टॉफी खाता है टॉफी खाना ना ये नहीं करते। यहाँ से हम चल रहे हैं वापस ही नीचे की ओर है। इंजीनियर का इलाका है वो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो इंजीनियरिंग तो नीचे है। जय भोले बाय बाय फिर मिलेंगे ओके हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर गुड नाइट बाय बाय। मदनी लाइफ देख बरा ये कहाँ मिली दो लोग आए थे ये द्वापर युग में आए ना। हाँ उसके बाद कुछ दिन यहाँ साल भर करीब कुछ समय यहाँ रहे पांडव ठीक यहाँ से बद्रीनाथ स्वधारा के होते हुए अच्छा वो लोग सब लोग को चले गए। ठीक 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 तो जो पांच जो पत्थर हैं उनकी क्या मान्यता है पांडवों के पत्थर हैं वो अच्छा उनकी मूर्ति की स्थापना है। अच्छा उनकी मूर्ति की स्थापना यहाँ कर गई है करा है ये किसने करा था ये हाँ ये महाराज लोग ये पहले ये महाराज लोग थे ना जूना अखाड़े के। अच्छा जूना अखाड़े के जो महाराज थे उन्होंने ठीक ठीक उन्होंने किया ठीक ठीक यहाँ से ना ठीक 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 तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं हम तो जा रहे हैं काम की लकड़ी लेके ले अच्छा आओ काकू आओ इनके साथ एक फोटो लीजिए अच्छा ताकि अंदर कोई नहीं आए तो गुफा में जाना वर्जित है या जा सकते हैं दीवार बना दी है ना दीवार से बंद कर दी है वो। अच्छा 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 लोग भोपरी जाते थे इंडियन आर्मी गई उसके जवानों का पता नहीं चला। अच्छा इंडियन आर्मी बहुत चले कितना किलोमीटर है अंदर ही अंदर पता नहीं कहाँ चैनल को निकलती है अच्छा? इंडियन आर्मी के जवान अंदर गए उनका पता नहीं चला है। ठीक 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 कौन कौन अभी आया था ना कुछ टाइम पहले इसी महीने आया था रजनीकांत यहाँ आता है। रजनीकांत का द्वारा हाट योगदा आश्रम के पीछे बंगला है। अच्छा 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 अभी बना रखा है इसने दो आदमी रखे हैं तो अच्छा द्वारा हाट का भी है बंगला बना लिया उसको अच्छा अपनी मिलेगा आपको अंकल जी बता रहे थे अभी कि यहाँ एक गुफा है जो कम से कम 7 या 8 दिन बाद यानी 7-8 दिन पूरी लंबी चलना पड़ता है उसके बाद वो गुफा खत्म होती है तो बहुत बार वहाँ लोग गुम भी जाते हैं है? अंकल जी बता रहे थे कि यहाँ एक गुफा है जहाँ लोग जाते तो मिलते नहीं है इतनी बड़ी गुफा है जहाँ तक है वो पांडवों के टाइम की है मिलते नहीं है गुम हो जाते हैं। बात एक ही है भबरी जाती है हमारे पहाड़ी भाषा में कहते हैं भबरी जाना मतलब गुम जाना। तो अब उस गुफा को क्या करा है बंद कर दिया है वहाँ जाना अलाउड नहीं है और 25-30 लोग जाते हैं जो वहाँ यहाँ के लोग हैं मंदिर के प्रशासन के जो लोग हैं वही जा पाते हैं उसके अलावा कोई नहीं जाता ऐसा यहाँ कहना है अंकल जी का। फाइनली हमको बैटरी मिल गई है कम से कम 2 घंटे बर्बाद हुए हैं इस बैटरी के चक्कर में और फाइनली बैटरी मिल गई है। अब आगे का बॉल ब्लॉग भैया कल बनेगा आज हालत नहीं है ब्लॉग बनाने की। थैंक यू स्टे कनेक्ट विथ मी ऑन ट्रैवलर विंडो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को लाइक करिएगा वीडियो अच्छी लगी तो शॉर्ट बहुत अच्छे थे
जो भी बनाए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। एक लाइक तो बनता है, बस एक लाइक बनता है।